अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले कि हम MCB हेल्पलाइन पर कैसे बात कर सकते हैं। आपके अकाउंट में कोई भी इशू आते हैं या आपका अगर डेबिट कार्ड आपके ATM मशीन में फंस जाते और आप हेल्पलाइन पर बात करना चाहते तो आप किस तरह से हेल्पलाइन पर बात कर सकते। तो बहुत सिंपल है, आपने मेरे साथ वीडियो एंड तक देखने। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने आपको उसमें ये सिखाया था कि अगर आप हेल्पलाइन पर बात करते हो वहाँ पर आपको ये आता है कि नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं, उस पर मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, वो भी आप देख सकते। तो सबसे दोस्तों, आपके पास जो है डेबिट कार्ड होगा, यानी कि आपका जो ATM मशीन में जो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपने वो कार्ड उठानी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते 24 आवर्स हेल्पलाइन, यानी कि हेल्पलाइन 24 घंटे के लिए अवेलेबल होते हैं। आप किसी टाइम भी इस पर कॉल कर सकते, ये नंबर आप नोट कर सकते, ठीक है फ्रेंड। अगर आप +92 नहीं लिख सकते, इस पर मैंने वीडियो अपलोड की, अगर आप हेल्पलाइन पर बात करते और आप कोई मसला आते +92 आप कैसे लिख सकते हो, वो वीडियो मैंने अपलोड की, वो भी आप देख सकते, ठीक है। यहाँ पर स्टूडियो में आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा ताकि आप जो है अपना पूरी मालूम जो है हेल्पलाइन पर बता के आपका मसला हो जाए। तो हम बात करते हैं हम किस तरह से हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने करना ये कि इसके लिए जो है आपके मोबाइल में जो है बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। आप जो है 80-100 रुपये लोड कीजिएगा, मैंने हम देखते हैं कि इसमें कितनी कटौती होती है, ठीक है। तो आपने भी 80-100 रुपये लोड करने अपने सिम पर। अच्छा दोस्तों, आपका जो सिम है उस पर आपने खुद कॉल करनी है, आपसे पूरी मालूम आपसे पूछेंगे, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डायल पर क्लिक करता हूँ, ये नंबर आप देख सकते हैं। आप जब हेल्पलाइन पे बात करते हो तो आपने +92 ज़रूर लिखने, पाकिस्तान कंट्री कोड, ठीक है, +92। बाकी नंबर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा भी दूँ। अगर आप इस तरह से नंबर डायल करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टेनर सिम पर इसको हेल्पलाइन पर बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टेनर पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं स्पीकर पर लगा लेता हूँ, ठीक है। अपने एंड तक देखते रहेंगे। तो उर्दू के लिए मैंने 1 दबा दिया। फ्रेंड्स, आप JC0 दबाएंगे तो आपकी जो बात है वो हेल्पलाइन से हो जाएगी फ्रेंड्स।